हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं कैथा, जिसे हम इंग्लिश में उड एप्पल कहते हैं, कबीट या कौड भी जिसे कहा जाता है। इसकी आज हम जेली बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट जैसी, लेकिन बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी आर्टिफिशियल कलर का यूज़ किए, बस चीनी और नींबू के साथ तीन चीज़ों से ही हम इसे बनाएंगे। तो इस रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिए। बनाने में बहुत ही आसान है। कई सारी प्रकार की जेली आपने बनाई होगी, खाई होगी, लेकिन क्या इस तरह की जेली आपने कभी खाई है कैथे से बनी हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैथे की जेली बनानी है तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़े साइज़ का कैथा, या जिसे उड़ एप्पल भी कहते हैं। इस तरह से इसे हम फोड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर का जो पल्प है उसे हमें यूज़ करना है, और बहुत सारा गुदा इसमें निकलता है। ये देखिए, ये जो शेल है इसे रिमूव करते हैं। चलिए अब इसे डाल देते हैं एक सॉस पैन में, हल्का सा इसे मैश करेंगे, क्योंकि हमें पानी के साथ अब इसे कुक करना है। तो जितनी क्वांटिटी में आपको इस जेली को बनाना है, उतने क्वांटिटी में आप यहाँ पर ये जो कैथे का गुदा है उसे ले सकते हैं। तो एक बड़े साइज़ का कैथा लिया है मैंने, शेल में लगा हुआ भी पल्प निकाल लेते हैं। इसे थोड़ा सा चम्मच से मैश करेंगे। इसके बाद हमें इसमें करीबन 2 से 2.5 गुना पानी ज़्यादा डालना है। दोस्तों, इससे पहले मैंने कैथे का शरबत यानी कि इसका जो जूस है उसकी भी रेसिपी पहले ही शेयर की हुई है। बहुत ही हेल्दी होती है हमारी सेहत के लिए, तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उसकी भी रेसिपी देख सकते हैं। चलिए अब इसे मैंने रख दिया है गैस पर, और करीबन हमें इसे 20 से 25 मिनट तक अब कुक करना है, ताकि जो गुदा है उसमें जो पूरा अर्क है वो पानी में आ जाए। पूरे आधे घंटे तक मैंने इसे उबाल लिया है, और आप देख सकते हैं जो पानी हमने इसमें डाला था काफ़ी इसमें गाढ़ापन आ गया है। तो चलिए अब इसे छान लेते हैं स्ट्रेनर में डालकर, क्योंकि इसका जो पानी है बस हमें इसी पानी का यूज़ करना है, और जो गुदा बचेगा आप चाहें तो इसकी चटनी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बचे हुए इस गुदे के अंदर थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गुड़ और लेमन का जूस ऐड करके आप इसकी चटनी बनाकर इसका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इतना सारा गुदा जो बच गया है अब इसे रख देते हैं साइड में, और ये जो पानी है ये हमारे काम की चीज़ है जेली बनाने के लिए। तो अब पहले हमें इसे नाप लेना है, तो जिस कटोरी से भरकर ये पानी निकला है उसी कटोरी से भरकर हमें चीनी का भी यहाँ पर यूज़ करना है, मतलब चीनी और ये जो कैथे का पानी है उबला हुआ, इन दोनों की हमें सेम क्वांटिटी में यूज़ करना है जेली बनाने के लिए। तो एक कटोरी उबले हुए कैथे का पानी और एक कटोरी ही मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी, और अब हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि ये जेली फॉर्म में ना आ जाए। ये ऐसे ही जेली फॉर्म में रहे, इसमें बिल्कुल भी शुगर के क्रिस्टल ना बने, इसके लिए हमें इसमें ऐड करना है करीबन 1 नींबू का जूस। अब इन तीनों चीज़ों के अलावा इसमें कोई चौथी चीज़ नहीं डलेगी, ना ही कोई कलर डलेगा, एकदम नेचुरल कलर में ये जो जेली है तैयार हो जाएगी। तो देखिए, अब ये उबलने लगा है, धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है, तो इसे हमें तब तक गाढ़ा करना है जब तक कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो पहले हम एक काम करेंगे, जिस भी टिन में या जिस थाली में हमें इसे जमाना है इसे थोड़ा सा घी का हाथ लगाते हुए इस तरह से ग्रीस करके रखेंगे, और देखिए अब ये धीरे धीरे जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ किस तरह से हमें चाहिए। तो इसमें काफ़ी सारा झाग बन रहा है, आप देख रहे हैं, और अगर हम इसका एक ड्रॉप थाली में डालकर देखें और वो फैले, तो अभी भी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है। फिर से थोड़ी देर के लिए इसे कुक करते हैं और कुछ बूंदे थाली में डालकर देखते हैं, अगर ये बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो रही है, एक ही जगह पर टिकी हुई है, इसका मतलब अब ये बिल्कुल रेडी है। तो गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेते हैं ग्रीस हुए किए हुए इनके अंदर, और इसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद सी लेयर आप देख रहे हैं ये झाग है इसमें का, तो इसे हमें स्पैचुला का यूज़ करके धीरे से निकाल लेना है, ताकि इसका जो कलर है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, जैसे कि जेली का होता है। अब इसके ऊपर जो वाइट झाग है इसे मैं चम्मच से निकाल कर इसे सेट होने के लिए रख दूंगी रूम टेम्परेचर पर। आने के बाद थोड़ी देर के लिए हमें इसे फ्रिज में भी रखना है, ताकि इस तरह से अच्छे से जम जाए। और देखिए, यहाँ पर जेली हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसे टुकड़ों में काट लेती हूँ।
चलिए तब तक एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की यमी यमी प्यारी प्यारी रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना है ताकि कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना होने पाए। और उड़ एप्पल की जेली को क्या आपने कभी खाया है, कभी ट्राई किया है, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे तैयार करने के बाद भी आपके जो अनुभव हैं वो भी मुझे आप शेयर कर सकते हैं इनबॉक्स के अंदर। तो देखिए पेरी पेरी जेली यहाँ पर बनकर तैयार है। बच्चे अगर इसे खाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा। और वीडियो ख़त्म होने से पहले इसके लिए एक लाइक कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।